गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए एक बड़ी रीडिंग लेके। और गाइस, देखते हैं आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या सुधार आया है, क्या नहीं है, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको भी ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि हमारे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो नेचुरली सी बात है आपको नहीं पता होगा, तो आप भी जानना चाहोगे, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। पहले मैं आपकी एनर्जी थोड़ी सी देखूंगी, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है? ओके, पहले आपकी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। और ये सभी देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई साइन के अकॉर्डिंग नहीं है, आप सब देख सकते हो। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है? ये गाइस, आपकी एनर्जी मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आपकी एनर्जी से फिर हमें पता चल जाएगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? चलिए मैं दो कार्ड और लूंगी आपके लिए। ओके चलिए, दो कार्ड और ले लेते हैं। मन में आ रहा है कि दो कार्ड और ले लूं। देखा, बॉटम ऑफ द डेक आया द स्टार, ठीक है? स्टार की एनर्जी बता रही है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये तो क्लियर क्लियर यहां से बॉटम ऑफ द डेक से हो चुका है। तो चलिए एनर्जी पे फोकस करते हैं, ठीक है? देखिए गाइस, यहां से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका एक बार नहीं, बहुत बार हार्ट ब्रेक किया। एक बार नहीं, बहुत बार। हर बात बात पे आपके पार्टनर ने, ओ सॉरी, सबसे पहले मैं, आई एम सो सॉरी, सबसे पहले मैं आपको साइंस बता दूं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यस, ज्यादा जगह ही मुझे साइन दिखा रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है? यही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो गाइस, यहां से मुझे ये लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके पार्टनर ने एक बार नहीं, बहुत बार, मतलब ना बहुत बार, आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर ने चाहे इंटेंशनली चाहे बिना इंटेंशंस के, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक किया आपके पार्टनर ने, और बहुत बार तोड़ा है। एक बार नहीं, बहुत बार तोड़ा है, ठीक है? एक मिनट गाइस, वेट। हाँ जी, तो आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक एक बार नहीं, बहुत बार किया है, बिना बात के। मतलब आपके पार्टनर ने हार्ट ब्रेक आपका करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ होगी, या आपके क्या बीत रही होगी, या आपने क्या फेस किया होगा, या आप किस कंडीशन में जा सकते हो। यहां से मुझे ये लग रहा है कि अभी तक मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। और दूसरा, आपके पार्टनर ने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, आपने हमेशा अपने पार्टनर की वेट की है, उनके कॉल की, उनके मैसेज की। और कईयों के, मेरे व्यूअर्स कई ऐसे हैं जिनको पता है कि मेरे जो पार्टनर बंदा बंदी, वो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मुझे चीट कर रहे हैं। आपको ये भी कई मेरे व्यूअर्स हैं जिनको पता था कि उनके पार्टनर उनसे चीट कर रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनसे धोखा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ डटे रहे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे। यहां से लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते थे। और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपने पार्टनर को के साथ फ्यूचर देखा है। ज्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों ने फ्यूचर देखा है अपने पार्टनर के साथ, कि मुझे इस बंदे के साथ फ्यूचर आगे बढ़ाना है, चाहे बंदा बंदी जो भी आपके पार्टनर है, कि मुझे इस बंदे के साथ या बंदी के साथ आगे बढ़ना है। और आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, लेकिन आपका रिलेशनशिप है ना, एक बात बोलूं, कभी कभी ना आपको ना ये रिश्ता बोझ लगने लगता था कि मतलब वो मुझे इस रिश्ते में मिल क्या रहा है, क्या कर रही हूं मैं इस रिश्ते में, या क्या कर रहा हूं मैं इस रिश्ते में, क्योंकि जो जितना मैं दे पा रही हूं उतना तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या मिल रहा है मुझे? धोखा धड़ी, थर्ड पार्टी, या मैनिपुलेशन, चीटिंग एनर्जी, यही तो मिल रहा है, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसकी वजह से आपने कभी कभी बहुत इस रिश्ते से मूव ऑन होने का सोचा। गाइस, अगर इतनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ना आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे पक्का रेजोनेट होगी, ठीक है? तो आपकी एनर्जी मैंने इसीलिए निकाली है ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? तो अभी के लिए अगर मैं देखूं तो आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो,
बहुत ज्यादा वेट करे हो, अगर कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो रही तो आप अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा वेट करे हो, उनके कॉल की, उनके मैसेजेस की, और आप 24 आवर जिसको बोलते हैं ना कि आपके दिमाग में आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना दिल दिमाग पे चलती रहे। गाइज एक बात बोलूं, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया आपके लिए, फिर भी अपने पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार दिख रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार दिख रहा है, फूल की एनर्जी है, आप अपने पार्टनर से आगे के साथ चलना चाहते हो और आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ एक अनमेच्योर बिहेवियर किया, एक बच्चों के जैसा बिहेव किया, ये नहीं बोलूंगी कि बच्चे है लेकिन बिहेव ऐसे किया कि जैसे कोई मतलब अनमेच्योर इंसान डील करता है किसी को, बिना सोचे समझे थोप देना अपना जो भी सवाल जवाब जो भी, या आपको मैनिपुलेट करना, या बिना बात के आपके पार्टनर ने झूठ बोलना आपको। आप कई लोग मेरे, ज्यादातर मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको पता था कि मेरे पार्टनर मुझसे क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, लेकिन आप क्या करते थे, आप फिर अपने मन को समझा लेते थे और उनकी बातों पे पर्दा डाल देते थे, क्योंकि रीजन मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते थे। आप छोड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपको ये लगता है कि जो मुझे वाइब्स, जो मुझे सुकून इस इंसान के साथ मिलता है ना वो किसी के साथ भी नहीं मुझे मिल सकता, ऐसी मुझे आपकी वाइब्स दिख रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपकी तो हो गई, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, वो मैं इस डेक से देखूंगी। एंजल प्लीज बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एक मिनट, ओके, कार्ड मैंने शफल कर लिया है। ओके, अट्रैक्शन तो दोनों तरफ है भैया, और दिल दोनों का टूटा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ओके, वेट गाइस, कार्ड गिर गया नीचे, 5 of cups का कार्ड निकला है यहाँ पे। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एक मिनट गाइस, मैं कार्ड भी एडजस्ट कर लूँ साथ में ताकि आपको इजी हो जाए, दिख जाए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। ओके, देखिए मुझे आप लोगों में ना एज गैप भी लग रहा है कि आप लोगों में एज गैप है। एक कार्ड और लेते हैं, विश। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक का है जजमेंट। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं आपको कार्ड अच्छे से शिफ्ट कर लूं ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखे और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं साइंस भी बोल देती हूँ यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रही है। एक मिनट, हाँ अब आपको कार्ड दिख रही है। ठीक है, तो साइंस है यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और कौन से रह गए, कौन से मैंने नहीं बोले, यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज लियो से ऑलमोस्ट सारे साइन ही है गाइज यहाँ पे। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो गए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो सजिटेरियस, यस साइन ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं। देखिए गाइज, जहां से मुझे एक चीज तो लगता है, हार्ट ब्रेक तो आप दोनों का हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ आपके पार्टनर का ही दिल टूटा है तो ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि हार्ट ब्रेक आप दोनों का ही हुआ है, आपका भी हुआ है, आपके पार्टनर का भी बराबर हुआ है। चाहे आपके पार्टनर ने जो भी किया आपके साथ, अगर आप चाहे वो खुद रिश्ते से निकल के गए हैं, या क्योंकि यहां से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है ना, बहुत कम लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब सिर्फ ब्लॉक्ड के लिए रीडिंग सबके लिए। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि हार्ट ब्रेक आप दोनों का ही हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुश हैं तो खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने आपके बिना आगे बढ़ने का ट्राई किया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं किया, ट्राई किया आगे बढ़े और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की कोशिश भी की किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ काफी ज्यादा नई शुरुआत करने का ट्राई किया, एफर्ट काफी किया, लेकिन
आपके पार्टनर को हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है, हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी वो भी मैनिपुलेटिव थी, काफी मैनिपुलेटिव थी और काफी ज्यादा एक बदतमीज जिसे बोलते हैं वो थी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं, क्या उनको अच्छा लगता, क्या बुरा लगता, इस चीज का आप थर्ड पार्टी को कुछ भी लेना देना नहीं था, यहां से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपके पार्टनर का देखूं, कि हमने यही देखना था ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल, देखिए गाइस, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको चेज करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और रीजन मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्होंने ना एक ऐसे इंसान को अपने से दूर किया है जो इंसान उनके लिए हर वक्त उनके लिए डटा रहा है। एक जैसे एक युद्ध पे हम जाते हैं तो एक आर्मी का इंसान डटा रहता है ना, वो ये नहीं देखता कि सामने से क्या होगा क्या नहीं, उसको अपने अंजाम की फिक्र नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही आपने हमेशा अपने पार्टनर के लिए डटे रहे हो, ठीक है, आपने कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया कभी भी, क्यों, क्योंकि आपको ये था कि मुझे इस बंदे के साथ लॉन्ग टर्म चलना है, इसका दुख और इसका सुख मेरा है, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर गए हैं आपको छोड़ के, तो वहां पे उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को, एक बात बोलूं, जहां भी गए हैं, चाहे वो वर्क की वजह से आपके पार्टनर छोड़ के गए आपको, चाहे अपने फाइनेंस की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे किसी भी रीजन से, मैं रीजन का नाम ज्यादा स्पेसिफिक नहीं कोई ले सकती, किसी भी रीजन से अगर आपके पार्टनर गए हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर आपके पार्टनर गए हैं, तो यहां से मुझे, सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गई थी, किसी भी रीजन से अगर आपके पार्टनर गए हैं, तो यहां से मुझे क्लियर लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं, आप खुद देख सकते हो। आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे, एंजाइटी ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, और जो उनके साथ गलत हुआ है, जब उनको लोगों ने उनको चीट किया है, उन चीजों को सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट में हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक एहसास हो रहा है, ये जजमेंट के कार्ड से मुझे ये लग रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने, क्योंकि देखो हर इंसान को पता होता है कि मैंने क्या किया, तो आपका जो इंसान है ना उसको ये पता चल रहा है कि मैंने उस बंदी या बंदे के साथ गलत किया था जिसका मुझे कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की आंखें है ना जो वो खुल चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके सामने, देखो अगर आपके सामने आपके पार्टनर कोई अच्छी डीपीज लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, तो मैं सच बात बोलूं, वो दिखावा है, दिखावे पे मत जाइए, रियलिटी पे जाइए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि हम लोग जो अंदर से टूटे होते हैं ना, लेकिन ऊपर से हम स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर की रियलिटी हमारी अंदर है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं और आपको कोई गुड, कुछ ना कुछ गुड न्यूज रिसीव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज की वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, पुरानी जो मेमोरीज है उनको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, और अट्रैक्शन तो आप दोनों में ही था, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए स्टार की एनर्जी आई थी, और आपके पार्टनर की साइड भी स्टार की एनर्जी आई है, ये दोनों कार्ड क्लियर करते हैं कि आप दोनों में अट्रैक्शन बराबर का है, प्यार बराबर का है, ये नहीं कि एक में कम है, हाँ, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि आपने इस प्यार को सीरियसली लिया, दिल से सोचा, दिमाग से सोचा, लेकिन आपके पार्टनर ने सिर्फ इस चीज को एक जैसे खेल समझ सकते हैं या समझ सकते हैं, इग्नोर किया, इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, आपने अपने प्यार को सीरियसली लिया, लेकिन आपके पार्टनर ने इस प्यार को सीरियसली नहीं लिया। आप नोट करो तो देखिए, मैं आपको कार्ड निकालती हूँ, देखिए यहाँ पे भी सेम कार्ड आए हैं, यहाँ पे भी सेम कार्ड आए हैं, और ये मैं आपके अभी डेक मैंने रखा नहीं था, और ये देखिए आप यहाँ पे भी सेम, और ये देखिए आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है गाइस, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। और अब आपके पार्टनर नेगेटिविटी से निकल के एक प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने की, कि आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे बढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या बोलना है, क्या बोलूं या क्या ऐसा करूं कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आपको लगता है कि आप मन में सोच रहे होंगे, आपके सवाल आएगा मन में कि नहीं कोई बात नहीं, वो आए तो सही दीदी, मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैंने जो किया अब वो मुझे एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी से भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है आपने कोई स्टेटस, कोई डीपी कुछ ऐसी वैसी लगाई है जिससे आपके पार्टनर को ये लगा कि शायद ये आगे बढ़ गई है,
ठीक है ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं और एनर्जी क्या। एंजल प्लीज बताइए मेरे वीवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए। देखिए मैंने बोला था ना आपके पार्टनर कंफ्यूज है, आपने कुछ डीपी या कुछ ऐसा मतलब आपके पार्टनर देखा जिनकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने कोई नई शुरुआत कर ली है आगे, जिनकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज है कि आपकी तरफ आना सही होगा या कहीं ये ना हो कि आपकी तरफ आए और मुंह की खानी पड़े, ठीक है ना। ऐसा आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ये करंट फीलिंग मैं निकाल रही हूँ, ठीक है ना। आपके पार्टनर की नीचे हमने ये कार्ड्स में देखा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, लेकिन यहां से मैं करंट फीलिंग निकाल रही हूँ आपके लिए। ये देखिए पूरे हैंगमैन की एनर्जी में आपके पार्टनर कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये देखिए नई शुरुआत के कार्ड दो आए हैं यहाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके साथ न्यू बिगनिंग, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए गाइज एक बात बोलूं, अगर भूला इंसान वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। नाइन ऑफ सॉर्ड्स स्टक है आप पे, आपके पार्टनर आज भी आप पे ही स्टक है, आगे बढ़े ही नहीं। एक मिनट गाइज, अगर आपके पार्टनर आगे बढ़े भी है ना, मैंने बोला था कि जिस भी रीजन से आगे गए हैं वो सिर्फ एक गैप करके गए हैं आप में, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो आगे का रास्ता उन्होंने तय करना था ना आपके बिना, वो नहीं कर पाए। तो अब आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं, वो जो आप दोनों में गैप उन्होंने डाला था ना उसको दोबारा से फिल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी आप पे ही स्टक है। एक मिनट गाइस मैं पानी पी लूं। तो यहां से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आप पे ही स्टक है, ठीक है ना। वो बढ़े ही नहीं आगे, वो आपको छोड़ के गए जरूर है, आप खुद देख सकते हो कितने सैड कार्ड आ रहे हैं। मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूं, बहुत सैड कार्ड आ रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है गाइज, आप खुद देख सकते हो इतने सैड कार्ड आए हैं कि पूछो मत। ना रातों को सो पा रहे हैं, ये देखो आप खुद देख सकते हो, ना सो पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको रिग्रेट बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया ना, उनको उनका, मुझे तो लगता है उनको उनका कर्मा मिल रहा है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर स्टक है, ठीक है ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। उनको भी एहसास हो गया कि मैंने जो किया आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। और देखते हैं, यस देखो थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को पता कि उन्होंने इग्नोर किया है आपके प्यार को, आपकी वर्थ को उन्होंने नहीं समझा। हमेशा जब भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला, आपने कॉल किया, मैसेज किया, उनको मनाया, कई लोग तो ऐसे है कि रोए गिड़गिड़ाए कि हमें छोड़ के मत जाओ, बहुत कुछ आप लोगों ने किया, लेकिन आपके पार्टनर ने एक नहीं सुनी आपकी, ठीक है। और मैंने बोला ना कि रीजन कोई भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया, ठीक है ना, ये आपके पार्टनर की सोच है। चलिए एक्शन, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर एक्शन लेना चाहते हैं। अभी मैंने बोला ना आपको कि आपके पार्टनर को ना, नीचे मैंने बताया था कि आपके पार्टनर को जो आपसे वाइब्स आती है ना एक, वो किसी और से उनको मिली ही नहीं वैसी, जो आपने उनको प्यार किया है, एक रिस्पेक्ट दी है, एक जिसे बोलते हैं ना, मैंने बोला कि हमेशा आप आर्मी की तरह इस इंसान के लिए डटे रहे हर दुख सुख में। तो आपके पार्टनर को लगा कि वो बंदी को जिसको मैं गलत समझता था, जिसका मैं इतनी डिसरिस्पेक्ट करता था, जिसको मैंने वैल्यू तक नहीं किया अपनी लाइफ में, और वो बंदी हमेशा हर सुख दुख में मेरे साथ डटी रही, और मैंने ऐसे एक प्योर इंसान को मतलब छोड़ के, और मैंने ऐसे लोगों को पकड़ा या मतलब या किसी को नहीं पकड़ा, सपोज करो अपने काम में गया या अपनी फैमिली की वजह से किसी भी रीजन से गया, वो उन्होंने गलत किया। आपके पार्टनर को सच्ची में गाइस, आप मानो या ना मानो, मुझे यहां से दिख रहा है आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर को वाकई एहसास हो रहा है इस चीज का, बहुत ज्यादा रिग्रेट में है आपके पार्टनर, आप खुद देख लो। आपके पार्टनर ने खुद ये रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाया है। और एक बात बोलूं गाइस, यहां पे मुझे एक वाइब्स और आ रही है, आपके पार्टनर पे ना किसी ने मैजिक वगैरह किया है, कोई स्पेल किया है,
मुझे स्पेल लग रहा है यहाँ पे कि किसी ने या तो उनके घर वालों ने किया, अगर वो अनमेरिड है तो उनके घर वाले, जैसे कि हमें कई बार लोगों को होता ना कि मेरा बेटा या बेटी मतलब हाथ से निकल रहे हैं, तो वो पंडितों बाबे भाभियों के पास जाते हैं धागे वागे बनवाने, तो मुझे ऐसे लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पार्टनर पे स्पेल किया गया, मुझे ये वाइब्स आ रही है यहाँ पे दो, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया और आपके पार्टनर कभी कुछ सोच ही नहीं पाए उस चीज से। जितना भी आप पॉजिटिव काम करते थे ना, आपके पार्टनर को आप में हजार मतलब गलतियां दिखाई देती थी। अगर आप अच्छा भी कुछ करते थे तब भी वो आप उस चीज को गलत ही लेते थे, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना उसको टॉक्सिक बनाया गया। बना नहीं है, आपके पार्टनर ने नहीं बनाया, उसको बनाया गया, ठीक है ना, ये दिख रहा है मुझे। चलिए एक का लास्ट लेते हैं, उसके बाद देखो ये अगर आपके पार्टनर ये जो भी आपके पास आ रहे हैं ना, जो भी है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का कमाल है। आपने जो मैनिफेस्ट किया ना अपने पार्टनर को, ये उनका कमाल है, ये आपका कमाल है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे। एक्शन का कार्ड निकालती हूँ, वैसे तो चैरियट के कार्ड से पता। यस, आपके पार्टनर एफर्ट लगाना चाहते हैं। साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर अभी तक आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, या अपने आसपास एक बाउंड्री लाइन बना रखी थी, तो अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए आपके रिलेशन का एक आउटकम निकालते हैं कि आपकी पूरी रीडिंग का आउटकम क्या है। एंजल प्लीज बताइए पूरी रीडिंग का आउटकम क्या है। आप दोनों ही अकेलापन महसूस करते हो, आपके पार्टनर भी और आप भी। पूरी रीडिंग का जो मुझे दिखा ना, आपके जो कार्ड निकले थे और आपके पार्टनर के, आप खुद देख सकते हो गाइस कि आपके पार्टनर की जितने भी कार्ड मैंने निकाले, कोई भी ऐसे आया जिसमें प्यार दिख रहा है, या मतलब बहुत अपनी लाइफ में वो इंजॉय कर रहे हैं। एक भी मुझे कोई बंदा बता दे कि नहीं दी ऐसे कार्ड निकले हैं कि वो तो इंजॉय कर रहा है। आप इतनी रीडिंग देखते हो, आपको भी पता है, कार्ड्स का नॉलेज हो चुकी है, तो आप मुझे कोई भी एक बंदा कमेंट में बता दे कि बहुत अच्छे कार्ड निकले दी, वो तो डांस कर रहा है, नाच रहा है, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है। देखिए अगर आपको पर्सनल लाइफ में दिख भी रहा होगा ना कि मेरे पार्टनर ये कर रहे होगा, देखिए दुनियादारी को दिखाने के लिए हम कुछ और होते हैं, लेकिन इंटरनली हमें क्या चल रहा है, क्या हमारी सिचुएशन है, वो अलग होती है। तो मैं यही हमेशा बोलूंगी, देखिए गाइस मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूँ ना कि आप लोग रो धो मत, अपने डीपी लगाओ ताकि आपके पार्टनर को लगे कि आप लोग बहुत खुश हो। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ ना, तो अगर आपने डीपी लगा दी, इसका मतलब ये थोड़ा कि आपने रोना छोड़ दिया। आप रोते नहीं, उनको याद कर करके तो रोते ही है ना, लेकिन दिखाया आपने क्या कि मैं बहुत खुश हूं। तो वैसे ही आपके पार्टनर का जो सामने से अगर आपको कुछ दिख रहा है ना, देखिए जो तो बिल्कुल ही बेशर्म लोग हैं आपके पार्टनर, जिनकी मैं बात करती हूँ, बिल्कुल जिनको कोई लेना नहीं, वो तो ऐसे ही जिनको जिनका काम है टाइम पास करना है। लेकिन जो वाकई जेन्युइन यहाँ पे इंसान है ना, अब सारा एक बंदा गलत है तो सारे गलत नहीं हो सकते, एक बंदी गलत है सारियां गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मुझे आउटकम ये निकला कि आप दोनों ही अकेलापन महसूस कर रहे हो एक दूसरे के बिना, क्योंकि ना आप अलग अलग हो, जिसकी वजह से आप पूरे तब होगे जब आप दोनों मिलके एक हो जाओगे, तब आप संपूर्ण हो जाओगे, तब तक आप अधूरे हो। आपके पार्टनर आपके बिना अधूरे हैं, आप अपने पार्टनर के बिना अधूरे हो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग का आउटकम है। चलिए देखते हैं अब कि आपके पार्टनर कब तक आने, कितना टाइम लेंगे। देखिए डिवाइन आपको बोल रहा है फेथ, आपको फेथ रखने की जरूरत है। अपने जो भी हालात आपके चल रहे हैं, आपको भगवान पे डिवाइन पे फेथ रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए जो भी होगा स्लो मूवमेंट होगा, कोई बहुत फास्ट नहीं होगा। और अगर आप भी कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है, एकदम से नहीं। अगर देखिए मैं एक बात बताती हूँ इस कार्ड का मतलब क्या है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने पुराना कुछ भी नहीं छेड़ना, जो भी अपने पार्टनर से दोबारा से कनेक्शन बनाना है स्लोली स्लोली बनाना है। ये फास्ट नहीं करना कुछ भी कि फटाफट से आज ही कमिटमेंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कहाँ थे ये वो, हजारों सवाल उस बंदे के सामने, क्योंकि एक बंदा मरा हुआ आपके सामने ने इतनी मुश्किल से आया, ऊपर से आप 50 सवाल कर दोगे तो वो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कब, हो सकता है मन में सोचे कि मैं आया ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं रोना धोना ही अच्छा था, ठीक है। तो आपने जो भी अपने पार्टनर से बात करनी है, बहुत स्लो और बहुत आराम से। स्लो का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे, स्लो का मतलब एक एक स्टेप फूंक फूंक के लेना, ठीक है। तो एक कार लास्ट और लेते हैं। नेक्स्ट फुल मून तक आपके पार्टनर का आपके पास वापसी हो सकती है। अगर आप दोनों के पार्टनर आपको ब्लॉक करके गए हैं या ब्रेकअप करके गए हैं, जो भी है, आपके पार्टनर वापस आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए एंजल का मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए।
ठीक है, दो कार्ड निकालते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहिए। ट्रस्ट देखिए, मैंने बोला ना यहाँ पे भी आया है फेथ और यहाँ पे भी आया ट्रस्ट। आपको अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है, सबसे ज्यादा भगवान पे ट्रस्ट रखिए। अगर आपको पता है कि आपका प्यार जेन्युइन है, आपका बंदा जेन्युइन है, लेकिन वो गलत रास्ते पे चला गया था जिसकी वजह से वो आगे चला गया, तो कोई बात नहीं। देखिए हम सबसे गलतियां होती है, अगर आपके पार्टनर से भी हुई है तो कोई बात नहीं। प्यार का मतलब तो यही है कि माफ कर देना, किसी को फॉरगिव कर देना, ठीक है। तो ट्रस्ट रखने की जरूरत है आपको, और आपको लिए दो बार ये आया है, ट्रस्ट और हैव फेथ। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, सैक्रिफाइस। आपको सैक्रिफाइस करना होगा, मैंने बोला ना, अभी मैंने जो बोला वही कार्ड निकला। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आपको थोड़ा सा ये जो भी अपने पार्टनर के साथ चलना है, मैंने अभी बोला। तो गाइज ये थी रीडिंग, और मैंने आपको सब बता दिया कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो भी था मैंने आपको सब क्लैरिटी से बता दिया, ठीक है। तो देखिए गाइज, अगर आपके सैक्रिफाइस करने से ये दो कार्ड जो मुझे आया ना, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ट्रस्ट और सैक्रिफाइस। देखिए अगर गाइज ये दोनों चीजें करने से आपका रिश्ता बचता है ना, तो आप बचा लीजिए रिश्ता। इतना प्यारा रिश्ता आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ट्रू जो प्यार है ना, ट्रू लव बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल के टाइम में। अदरवाइज टाइम पास करने वाले तो हजारों हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।